केजरीवाल घर भरने आए हैं। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, लोगों को अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। तो कह रहा हूँ, हम तो केजरीवाल को शराब पीने आई नहीं, हम तो केजरीवाल जी की मदद करने आए हैं। बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। केजरीवाल घर भरने आए हैं क्योंकि इन्होंने तो 4 दिन बाद भी हाथ खड़े कर दिए थे। इतना माल हिंदुस्तान में इतनी जायदाद होने के बावजूद ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, लोगों को अकाउंट नंबर दे रहे हैं, 70% सदा महंगी कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है उनका तो इन्होंने कुछ सोचा नहीं, 4 दिन में इनके हाथ खड़े हो गए। ये कोरोना का बहुत भयंकर अंजाम निकलेगा, इसी महीने में देख लेना आप, बहुत भयानक अंजाम निकलेगा हिंदुस्तान के ऊपर। 70% महंगी होने के बाद भी शराब लेने आए हैं? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लेने आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ हम तो केजरीवाल को शराब पीने आई नहीं, हम तो केजरीवाल जी की मदद करने आए हैं। इनके हाथ खड़े हो गए अपना एक महीना 40 दिन में टोटल में। भाई साहब, अगर खजाना खत्म हो गया तो जो आम जनता है उनका क्या हाल होगा, इसका अंजाम कौन भुगतेगा? ये बहुत भयानक अंजाम निकलने वाला है इस महीने में। अगला महीना तो बहुत आप देखोगे नहीं देखोगे, हम देखे नहीं, हमें पता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जनाब, लोग शराब पीने तो आए नहीं, ये तो केजरीवाल घर भरने आए हैं। 70% का कोई ताल्लुक बनता था तेज करने का? पहली बात तो लॉकडाउन खोलने का ये बंदा नहीं था, ये जो इन्होंने खोला शराब के लिए, इनको खोलना नहीं चाहिए था। क्या आवश्यकता आ गई थी इनको खोलने की? इतनी कौन सी आवश्यकता आ गई थी? लोन ले रहे थे किसी बैंक से, बाहर वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे थे? इनको तनख्वाह भी पड़ गई, इनको सब कुछ पड़ गया, इनको आम जनता की नहीं पड़ी। हाँ जी, सुबह 6 बजे से आके बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। अब मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को, क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को, व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में, मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है।